फर्स्ट टाइम हमें बारिश मिली आज पूरे दिन में। ऑलमोस्ट 12 घंटे राइड कर चुके हैं, सुबह 4:30 निकले थे, 4:30 अभी शाम के हो रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि बारिश कितनी होती है, क्योंकि हम भी चल रहे हैं, बादल भी चल रहे हैं, पॉसिबिलिटी कम है कि बारिश हमारे ऊपर ही होती रहे। बादल इधर उधर हो जाते हैं, हम भी मूव कर रहे हैं, तो चांसेस ये हैं कि हम बारिश वाले एरिया से बाहर हो जाएं। सुमित तो कह रहा है रुक जाते हैं, पहन लेते हैं। ओ फक, बॉडी पे जो एयर फ्लो आता है ना मेस जैकेट का, वो ख़त्म हो जाता है, उससे गर्मी और लगनी है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू अवॉइड रेन गियर एज मच एज पॉसिबल। रोटरी चौक, अच्छा ऐसा मनाली में भी तो बनाया हुआ उन्होंने मेन मार्केट में। यार मैं पहली बार आया हूँ अंदर, अच्छा लग रहा है मंडी शहर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम श्योरली इम्प्रेस्ड विद द क्लीनलीनेस ऑफ दिस प्लेस मंडी। पहली बार आया हूँ अंदर और छोटी छोटी गलियों में भी कहीं भी कीचड़ नहीं है, वेरी वेल मेंटेन्ड एंड सब चीज़ें तो अवेलेबल है यहाँ पे। वेरी नाइस प्लेस यार, एंड इट केम एज अ सरप्राइज टू मी। इतनी बार मनाली आया हूँ, कभी मंडी वाले साइड से अंदर से नहीं निकला। चढ़ा दो ऊपर, चौथा गियर। लोगों का हाया वाया करने के चक्कर में ठुक जाना किस दिन, हाथ हटता। बहुत ही शानदार नज़ारा है नीचे देखो, लेफ्ट में मजेदार। ओ ये क्या जिंदगी है, गोइंग अप द पराशर लेक, मी ऑन माय ट्रायंफ टाइगर 800, माय लवली ब्लांका, एंड इन फ्रंट ऑफ मी इज सुमित ऑन हिज 850 GS फ्रॉम BMW। ला 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 ला। दिस इज लाइफ गाइस, दिस इज लाइफ, सैडलिंग ऑन योर मोटरसाइकिल amongst the peaks that are kissing those rain-laden clouds. What a view, what a feel, and what a day after 12 hours of riding straight from Noida and now reaching near to the Parashar Lake. This is a scenery that you really want to ride for. Those buildings in white, that is IIT Mandi. What a beautiful place to come and study if you can make it to this institute. Lovely place. Just imagine spending 4 years here doing your graduation. Oh ho ho, yo baby, ये अपना IIT का गेट है, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, संस्थान ही था ना शायद। कोरोना तो भाई पहले होना पहन लूंगा ना कि रेन गियर। वैसे मैंने मोर है कि तू बारिश आने से पहले चल। यहाँ पे इतनी सारी झोपड़पट्टी है, कहीं भी रुक के पहन लेंगे। ओये ओये ये 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 सो इट्स ऑलमोस्ट 6 PM राइट नाउ एंड इट हैज स्टार्टेड टू ड्रिजल अ लिटिल बिट एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स। बहुत ही सुंदर लग रही है जगह, अगर आप देखो यहाँ पे पीछे रोड पूरी गिली गिली एंड हम दोनों लोग शांति से एकदम बाइक चला रहे हैं, मज़ेदार रोड्स। थोड़ा सा धीरे चलानी पड़ रही क्योंकि रोड स्लिपरी हो सकती है, बट पीछे का नज़ारा देखो एकदम क्लाउड्स उन माउंटेन्स पे। लुक एट दिस सीन मैन, हाउ द क्लाउड्स आर हगिंग ऑल दोज माउंटेन पीक्स, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल रोड, वेल मार्क्ड। अगर आपको पहाड़ों में ऐसी रोड मिलती है ना तो मज़ा आ जाता है बाइक चलाने का। व्हाट अ व्यू ऑफ द वैली यार, वाओ क्या नज़ारा है वैली का। ओ पुत्रा ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, क्या नज़ारा है देखो। बिल्कुल क्लाउड्स के बीच में है हम, पराशर लेक वाला एरिया जस्ट क्रॉस किया है एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स भुंटर। टाइम हो चुका है अभी 6:14, अपना मैं ना हल्की बाइक लेने के बारे में सोच रहा हूँ। एक्सपल्स तो नहीं बट थोड़ी सी जिसमें ना सब कुछ हो, थोड़ा बहुत जैसे मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए ना 790 एडवेंचर KTM की, मैं वो चाहता हूँ लेना, वो अच्छी लगती है बाइक। आई फील वी आर समवेयर नियर टू द कट वेयर वी विल
converge with the main highway, the highway that, you know, brings you from the Pandur Dam and the Oat Tunnel. So I think we are already there. Yeah. आ जाओ लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन को ओ आवे गड्ढा बैठ दी चढ़ जाओ उठते 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम द राइड सो फार हैज बीन ऑसम इट वाज सपोज्ड टू बी अ राइड दैट कुड हैव रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ स्लीपी फेजेस बट थैंक्स टू द सेना इंटरकॉम एंड being connected with Sumit throughout the ride, it was like ki baatein hi kare ja rahe hain puri ride mein. As such, neend aane ka koi scope hi nahi tha. Agar main akele hota na, to kam se kam 3-4 dhabon pe maine at least 15-20 minutes ki nap to leni thi. That is why intercom na bahut zyada help karta hai, bahut zyada. Gaanon se zyada, gaanon mein to aap bore hona shuru ho jate thodi der baad. But intercom pe jo aapki baatein chalti rehti hai na, in short pakad chalti rehti hai, wo aapko sone hi nahi deti. It is like hanging out with your friends for an नाइट आउट एंड यू डोंट रियलाइज कि पूरी रात निकल गई बातें करते करते. वही सीन है, तब नहीं लगा पूरा दिन निकल गया और एक हल्की सी झपकी भी नहीं आई. हल्की सी जिसे कहते हैं ना, वो भी नहीं आई. सो गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड द जॉनसन्स कैफे इन मनाली. ऑलमोस्ट 8:51 PM. पांच हो गए रोग हम पूरे. 2 एक्सपल्स, 1 हिमालयन एंड अ टाइगर एंड 850 GSA. ओके, वी आर एट द होटल मनाली हाइट्स. ओ ये तुम लोगों ने तो बैठना ही नहीं है लगता है. कल खड़े होके चलाओगे सारे? हम तो सब खड़े होके ऐसे निकले हो जैसे कूद कूद के. बाइक की चाबी, हिमालय की चाबी. तो बाइक की चाबी आई पुट इन माय जींस पॉकेट एंड देन क्योंकि वो जींस डर्टी हो गई थी, गंदी हो गई थी, मैंने बालकनी में उसे सुखा दिया. और जैसे ही नहीं जींस सुखाई थी. ये आपका वाला क्वेश्चन है. हाँ. और ऑब्वियसली जब हम चाबी ढूंढने लगे तो थी नहीं, तो इट वॉज ऑब्वियस कि जब मैंने सुखाया तो चाबी बालकनी से गिर गई. कहाँ पे गिरी? नीचे गार्डन में. अच्छा, गार्डन में जहाँ पत्ते और कचरा और कूड़ा था. तो फिर हमने तुषार को बोला कि जाओ और मार दो. तो तुषार पे नीचे गया ढूंढने के लिए. अच्छा, कितनी चाबी लेके आए थे आप इस राइड पे? कितनी चाबी मतलब स्पेयर होती है? स्पेयर की लाए थे क्या? मेरे पास कोई वो विला नहीं है जिसकी बहुत सारी चाबी है. बाइक की एक ही चाबी होती है उसकी. एक चाबी होती है, एक लाया था. एनीवे चाबी मिल गई थी फिर इवेंचुअली, लेकिन वो गार्डन में नहीं मिली थी. क्योंकि चाबी ना खो जाए तो उसने थोड़ी सी सैंड खोद के उसमें दबा दी. उसके बाद हमने सारा बीच खोद डाला. लेकिन चाबी नहीं मिली. इस ब्लॉग में उसने कहा मैंने जहाँ कपड़े रखे थे वही गड्ढा खोदा था छोटा सा. व्हिच वाज वेरी इंटेलिजेंट. ये बता दो कि एक्सपल्स पे कैसा रहा यार? बहुत सही था यार. मतलब ये रेगो तारीफ देखो कैसे कर रहे हैं. टाइगर पे नहीं आते मुझे मजे. टाइगर पे नहीं आते इस ट्रिप पे ऐसे मजे जो एक्सपल्स पे. कम रखी हुई थी. हां देखो इधर से क्या अच्छा. देखो भट्ट साहब के पास जो बाइक होती है ना, जो करंट फेवरेट होती है, दुनिया की बेस्ट मोटरसाइकिल होती है. ऐसा ठीक है. तो सारे बंदे एक्सपल्स खरीदो, मैं भी खरीद रहा हूँ. नहीं बट एक्चुअली कितनी स्पीड पे भगा रहे थे, क्रूज कैसे कर रहे थे यार हम लोग? देखो मुझे देखो, मैं जानता हूं व्हाट वर वी डूइंग. वी वर डूइंग 90-95 हाईवे पे. गेटिंग यू हाईवे पे कैसे ला रहे थे? हाईवे पे 20 किलोमीटर पे चल रही थी. 100 105 105 110. सो दैट मींस यू वुड हैव इजीली रीच मनाली यस्टरडे. सी सो व्हाट हैपेंड विद फॉर श्योर यार 6 बजे हम वहां नीचे. अगर वो आरटीपीसीआर का चक्कर नहीं होता और 2 घंटे हमारे वेट होते ना, अगर कॉल करके आरटीपीसीआर का हम जबरदस्ती रूपनगर में घुसे. उसके बाद एक बार जब हमारा आरटीपीसीआर में 2.5 घंटे वेस्ट हो गए, तो हम लोग ना मेंटली प्रिपेयर हुए थे कि हम लोग आज मनाली नहीं जा रहे,
हम लोग मंडी जाएंगे आराम आराम से चलते हैं। बाइक राइड भी रीच मंडी, तुषार ने बोला यार मनाली लगा देते हैं, वी स्टार्टेड राइडिंग टुवर्ड्स मनाली देन, एंड हम लोग then we just because the stretch was so bad and it was dark and it was very dusty. तो हमें तो दिख नहीं रहा था, zero visibility में हम चल रहे थे। तो उसके बाद हमने सोचा यार जब हमने मनाली में एक दिन पूरा का पूरा स्पेंड करना ही है तो 60-65 किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं, अभी अपने आप को पुश करने की जरूरत क्या है। और हम लोग I think it was a good decision. We were very very dirty and mucky यार, एकदम कचरा मच गया था हमारी लाइफ का ना। हेलमेट के अंदर मिट्टी आ गई यार, मिट्टी घुस चुकी थी, अंदर टेस्ट भी करी होगी काफी। हां अंदर घुस गई हमारी मिट्टी। ऐसे मैं एक्सपल्स वाली वीडियो देख रहा था, कौन सी वाली एक्सपल्स मॉड्स की, हां हां मैं देख रहा था, उसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है वो वाला कमेंट पढ़ा तूने जी लिखा कि कपल इन द पार्क हाय डार्लिंग अभिनव भट्ट हाय दिस इज अभिनव भट्ट।